अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पार्क स्टडी 301 के हवाले से, फाइनल टर्म के हवाले से डिस्कशन करेंगे। जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं फाइनल टर्म के, उसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आज आप लोगों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। होप्स हो के ये जो MCQs हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे और आपके पेपर में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं हम अपने फाइल की तरफ, अपने इंपॉर्टेंट MCQs की तरफ। तो फर्स्ट हमारे पास है, वन द पावर्स ऑफ द प्रेजिडेंट वर इंक्रीज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो पावर्स थी प्रेसिडेंट की वो इंक्रीज़ कब हुई, 1985 में उनको इंक्रीज़ किया गया। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 फ्रॉम 1977 से 1985 के दरमियान जो कॉन्स्टिट्यूशन थी 1973 की, उसका क्या स्टेटस रहा? तो वो सस्पेंडेड होगी, ये हमारी कामयाब नहीं हुई थी। व्हेन डिड द सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी प्रेजेंट इट्स फाइनल रिपोर्ट? जो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी है उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट कब पेश की थी? 19 दिसंबर 1952 में। इनको ज़रा अपने माइंड में रखिएगा, डेट सेम ही है ऑलमोस्ट, तो ये मिक्स हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने इनको अपने माइंड में फिट रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लैरिफाई द स्कोप ऑफ पावर रिलेशनशिप अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस विद इन द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, सेकेंड वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। हाउ मैनी स्टेट्स वर कैप्चर्ड बाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 1970 में? पाकिस्तान पीपल कितनी सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान को मिली? इसमें 81 सीट्स थी जो पाकिस्तान को मिली थी। और नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी सीट्स वर कैप्चर्ड बाई अवामी लीग इन जनरल इलेक्शन? अवामी लीग ने कितनी सीट्स हासिल की 1970 जो इलेक्शन हैं उसमें? अवामी लीग ने 160 सीट्स हासिल की थी। विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इज प्रूव टू बी द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिवेलपमेंट इन पाकिस्तान? इसका लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949। ठीक है जी, विच एक्ट वाज इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट? कौन सा जो एक्ट है वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के जो है वो जब पाकिस्तान एस्टेब्लिश हुआ उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, ये जब पाकिस्तान के तौर पर ये जब इंट्रोड्यूस हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू 34 आर्टिकल्स एंड 6 स्केड्यूल्स इन विच द होल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फॉर गवर्नेंस एंड पावर मैनेजमेंट हैज़ बीन आउटलाइन। दिस टैक्स बिलोंग्स टू विच कॉन्स्टिट्यूशन? ये टैक्स जो है किस कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करता है? ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, ये जो 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन थी उससे बिलोंग करता है ये। व्हेन डिड अयूब खान अबॉर्गेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956? अबॉर्गेट किया अयूब खान ने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को 7 अक्टूबर 1958 को। What is the minimum age of President of Pakistan according to the Constitution of 1956 के Constitution के मुताबिक जो President की minimum age है वो 45 years होनी चाहिए। When did Industrial Development Bank establish in Pakistan? Industrial Bank कब पाकिस्तान में बना? 1961 में। When did Chaudhry Rehmat Ali establish Pakistan National Movement? National Movement Chaudhry Rehmat Ali ने कब इसको इस्टेब्लिश किया? इन 1914 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, चौधरी रहमत अली ने इसको इस्टेब्लिश किया। व्हेन डिड इकबाल प्रेजेंट हिज फेमस अलाहाबाद एड्रेस? 30 दिसंबर 1930 को। बहुत मशहूर उनका बहुत फेमस खुतबा अलाहाबाद, जिसको हम 9th 10th में भी पढ़ते आए हुए हैं, बहुत मशहूर उनका खुतबा था ये। इन विच ऑफ हिज राइटिंग इकबाल टॉक्ड अबाउट द इंडिया यूनाइटी एंड द डिफरेंस अमंग द मुस्लिम्स एंड हिंदूज? ज़बूर अंजम, सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास नाला याति में इसका जो करेक्ट आंसर है उस पर उन्होंने ये कहा था। व्हाट वाज द फैक्टर विच अंडरमाइंड द सिविलियन गवर्नमेंट्स इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग 1988 टू 1996?
अंडर डिमांड सिविलियन गवर्नमेंट्स इंस्टॉल जो थी उसका दुरानिया था 1988 से 1969, तो वो किसके वाले से? मोस्ट ऑफ दीज वर कोएलिशन गवर्नमेंट्स, उसमें मोस्ट जो ज़्यादातर थी वो कोएलिशन गवर्नमेंट्स थी। वो बिकेम द इंटराइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री 1990 में। कौन जो था इंटराइम प्राइम मिनिस्टर बना? गुलाम मुस्तफा जतोई जो थे ये इंटराइम प्राइम मिनिस्टर बने। व्हेन डिड ज़िया मिलिट्री गवर्नमेंट होल्ड प्रेसिडेंटल रेफरेंडम इन पाकिस्तान? जो ज़िया मिलिट्री गवर्नमेंट है उसने कब एज अ प्रेसिडेंटल रेफरेंडम हासिल किया पाकिस्तान में? इन 1984 में। 1984 में उन्होंने हासिल किया था। विच मिनरल रिसोर्स यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री? इसके लिए कौन सा मिनरल रिसोर्स के लिए हम सल्फर का यूज़ करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में? नेक्स्ट है जी, विच मिनरल रिसोर्स इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, आयरन और रिप्रोडक्शन रिसोर्स? मिनरल रिसोर्स जो प्रोडक्शन स्टील में हम यूज़ करते हैं आयरन और के लिए। दो डिफरेंस है इनमें, इनको अपने माइंड में रखना है। वट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्टल एरियाज? 600 माइल्स है जो पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज हैं उनकी लेंथ है। इन विच ईयर द प्रोविंस ऑफ सिंध वाज क्रिएटेड? कौन से साल में जो सिंध का प्रोविंस क्रिएट किया गया? तो 1970 में इसको क्रिएट किया गया। वाई डिड कायद आजम लंच डायरेक्ट एक्शन डे ऑन अगस्त 16, 1946? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे क्यों जो है वो किया था? टू अपोज द कांग्रेस पॉलिसीज, कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी उनको, उनके अगेंस्ट उनको ख़त्म करने के लिए। और इन विच ईयर द मॉस्को इन कानपुर वाज डेमोलिश? कौन से साल में तबाह हुई कानपुर की मॉस्क जो मस्जिद थी? 1913 में। इन विच ईयर कायद आजम ज्वाइन मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? 1913 में। व्हाट डज द एब्रीवेशन ऑफ ओआईसी स्टैंड फॉर? ओआईसी का एब्रीवेशन क्या है जी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे आप देख लें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटीज। जो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, तो आपने इसको अपने माइंड में रखिएगा। व्हाट व्हेन डिड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कम इनटू एंड इन द ब्रिटिश इंडिया? 1958 में जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अख्ताम को पहुंची ब्रिटिश इंडिया में। इन विच सिटी द सेकेंड ओआईसी कॉन्फ्रेंस 1974 वाज हेल्ड? लाहौर में। सेकेंड ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो ही वो हेल्ड की गई, इस्टेब्लिश किया गया। विच स्टेट हेड वाज द वेरी फर्स्ट टू विजिट पाकिस्तान? जो सबसे पहले जिसको एज अ पाकिस्तान के तौर पर तस्लीम किया वो ईरान ने किया था। सोवरिजेंटी, स्टेट सर्वाइवल, टेरिटरी इंटीग्रिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, बिलिटरल एंड मल्टीलिटरल रिलेशंस ऑल आर द फीचर्स ऑफ? ये किसके फीचर्स हैं? डिप्लोमेसी के फीचर्स हैं। द पोलिटिकल राइट्स ऑफ द मेजोरिटी टू द एक्सरसाइज ऑफ पावर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ जनरल एक्सेप्टेड पोलिटिकल यूनिट एरिया और टेरेटरी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द अबव डेफिनेशन? ये फेडरल मूवमेंट्स में हमारी जो चीज़ें आ जाती हैं। व्हेन डिड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कम इनटू द ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी है कंपनी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 1958 में अपने अख्ताम को पहुंची। इन विच ईयर? ये रिपीट हो रहे हैं फिर से, 1913 में हुई थी। व्हाट वाज द मिशन सेंड इन 1945 कॉल्ड एज? कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान क्या कहलाता है? इट वाज रिकमेंडेड बाय ब्रिटिश इंडिया कैबिनेट, इसको रिकमेंड किया ब्रिटिश इंडिया कैबिनेट ने। हो इम्पोज द लॉन्गेस्ट मार्शल इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो सबसे लॉन्गेस्ट मार्शल किसने इम्पोज किया? जनरल अयूब खान ने, याह्या खान ने, ज़ियाउल हक ने, परवेज मुशर्रफ ने? तो सबसे लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ था वो हमारा किसने इम्पोज किया? जनरल ज़ियाउल हक ने।
नेक्स्ट है जी, व्हेन द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज एम्बॉलिश्ड फ्रॉम पाकिस्तान 1979 में, लोकल गवर्नमेंट जो थी 1979 में हुई, व्हेन डिड ज़िया मिलिट्री गवर्नमेंट होल्ड प्रेसिडेंटल रेफरेंडम इन पाकिस्तान, कब प्रेसिडेंटल रेफरेंडम उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया 1985 में, फॉर व्हाट पर्पस वर द एजुकेशनल स्कीम वाज इंट्रोड्यूस बाय हिंदूज, वर द एजुकेशनल स्कीम जो थी वो किस मकसद के लिए हिंदुओं ने उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, तो कन्वर्ट मुस्लिम्स इनटू हिंदुइज्म, मुसलमानों को कन्वर्ट करें हिंदुइज्म में थ्रू प्राइमरी एजुकेशनल लिटरेचर, जो लिटरेचर था उन्होंने अपनी बुक्स अपना जो था वो उसमें ऐड किया ताकि वो मुसलमानों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर सकें प्राइमरी लिटरेचर एजुकेशनल लिटरेचर के ज़रिए, तो ये उनका पर्पज़ था। व्हेन वाज़ द रिपोर्ट of the Muslim suffering presented by Fazlul Haq in December 1939 में, इसको प्रेजेंट किया गया, हाउ मैनी मेम्बर्स ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर इंक्रीज आफ्टर द 1974, कितने मेम्बर्स इंक्रीज हुए जब कॉन्स्टिट्यूट जो थी वो इस्टेब्लिश हुई थी, तब उसके 69 मेम्बर्स थे लेकिन बाद में वो इंक्रीज होते हुए 79 हो गई थी। वट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ माउंट बेटन एज विक्टोरियन विक्योरेसी इन 1947 टू वाइंड अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, टू प्रोलोंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बिकॉज ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव, बिकॉज ही वॉज, जो हमारे पास करेक्ट आंसर वो सी वाला है, टू वाइंड अप द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है, 46% है। व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन क्या कहलाती है, एजुकेशन थ्रू फ़ोन, एजुकेशन थ्रू पोस्ट पोस्ट मेल, एजुकेशन थ्रू टीवी एंड इंटरनेट, ऑल ऑफ देम। ये बेसिकली इसका जो डिस्टेंस एजुकेशन है, मीन के हम जिसको इंटरनेट के ज़रिए कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा जो रीडर है या इंस्ट्रक्टर है वो बहुत दूर दूर से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं, जैसे हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमें पढ़ाती हैं, ये हमारा जो है डिस्टेंस एजुकेशन है कि हम हमारा जब दिल करता है हम उनके लेक्चर्स हमें अवेल होते हैं, हम जब चाहें उनको ले सकते हैं, तो हमारी डिस्टेंस एजुकेशन में आ जाती है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एजुकेशन आर देयर इन पाकिस्तान, कितनी टाइप्स की जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान में है, आठ किस्म की जो है, आठ टाइप्स हैं एजुकेशन की जो पाकिस्तान में अवेल है इस टाइम। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1958 में पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे जी, इस्कंदर मिर्ज़ा थे, गुलाम मोहम्मद है, फील्ड मार्शल अयूब है, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्टर है हमारे पे 1958 में हम पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो इस्कंदर मिर्ज़ा थे। व्हेन डिड मिलिट्री अज्यूम्स पावर इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, मिलिट्री अज्यूम है पावर पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में कब इंट्रोड्यूस हुई, 7 अक्टूबर 1958 में। वट वाज श्योर अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में क्या श्योर है, द पाकिस्तान वुड बी एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट, द पाकिस्तान वुड बी एन इस्लामिक स्टेट, द वुड बी अ सेकुलर स्टेट, वुड बी अ डेमोक्रेटिक स्टेट, तो पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक और डेमोक्रेटिक स्टेट है, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे जी, इस्कंदर मिर्ज़ा थे। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन पाकिस्तान इंजॉयज ओनली एडवर्सरी कैपेसिटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जो वो इसको इंजॉय करती है। इन विच ईयर द इंसिडेंट ऑफ चोरा चोरी टुक प्लेस, कौन से साल में चोरा चोरी ने का जो इंसिडेंट था वो उसने हुआ था, वो 1924 में हुआ था। अफगानिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, अजबकिस्तान, कागरस्तान, काजकस्तान जॉइंड द ईसीओ रीनेम्ड ऑफ आरसीडी लेटर ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइन इट फर्स्ट, पाकिस्तान ने, ईरान ने, तुर्की ने इनको सबसे पहले जो है वो क्या किया था, जॉइन किया था। In which city the second OIC conference 1974 was held, तो ये लाहौर में हुई थी। When did initiate the nation of two nation theory, पूछा क्या है जी, who did initiate the nation of two
दो कौमी नज़रिए का जो कंसेप्ट है उसको सर सैद अहमद ख़ान ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, इसको इस्टेब्लिश किया। इन विच डॉक्यूमेंट्स मुस्लिम्स डिमांडेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाइज एक्सेप्टेड, कौन से डॉक्यूमेंट में मुसलमानों जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी उनको एक्सेप्ट किया गया। 14 पॉइंट्स में उनको एक्सेप्ट किया गया। व्हेन डिड लीड द शिमला डेलीगेशन, शिमला डेलीगेशन को किसने लीड किया? सरागा खान ने उसको लीड किया। हाउ मैनी सीट्स इन द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस 1946 मुस्लिम लीग्स वॉन इन बंगाल प्रोविंस, कितनी सीट्स जो थी टोटल सीट्स जो थी हमारे पास वो उनके पास 119 सीट थी और उनमें से 113 सीट्स को गेट किया गया। व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ ओशर और एग्रीकल्चर टैक्स वाज इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स 1983 में इसको जो है एग्रीकल्चर टैक्स था इंट्रोड्यूस किया गया। वे हु डिड मूव द रेजोल्यूशन इन दिल्ली कन्वेंशन फॉर अ सेपरेट स्टेट? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। व्हेन डिड द गवर्नमेंट कंडक्ट लास्ट सेंस ऑफ पाकिस्तान, मर्दमशुमारी जो कब हुई थी? 1998 में हुई थी जो लास्ट टाइम हुई थी। विच एलिमेंट इज़ यूज फॉर एटोमिक पावर जनरेशन? यूरेनियम जो है वो एटोमिक पावर जनरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। व्हेन डिड जियाउल हक इम्पोज थर्ड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान? जियाउल हक ने थर्ड मार्शल लॉ पाकिस्तान में कब लगाया? ऑन जुलाई 5 जुलाई 1977 में। व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ फिशर और एग्रीकल्चर टैक्स वाज इंट्रोड्यूस ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन? 1983 में इंट्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट है जी, वाई डिड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइन इन 1939? कांग्रेस मिनिस्ट्री ने क्यों रिज़ाइन दिया 1939 में? द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वार ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया विदाउट कंसल्टिंग कांग्रेस, जो इन ब्रिटिश ने जंग का ऐलान कर दिया था और बिल्कुल कांग्रेस से कंसल्ट किए बगैर, उनको इतला किए बगैर। वाई डिड इकबाल प्रेजेंट इज फेमस अलाहाबाद 30 दिसंबर 1930? वट वाज द रिएक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम्स ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? मुसलमानों का क्या रद्द अमल था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर? हाईली अप्रिशिएटेड बाय द नॉन मुस्लिम्स, हाईली कॉन्टीमेंट बाय द नॉन मुस्लिम्स, नो रिस्पॉन्स वाज गिवन नन ऑफ द अबव। नॉन मुस्लिम का जो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, करारदाद मकासद को। व्हाट डज बीपीसी स्टैंड फॉर? बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, बेसिक परमानेंट कमेटी, बेसिक पार्लियामेंट कमीशन, बेसिक प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बेसिक ये सेम उन्होंने दिए हुए हैं, तो आपने बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इन विच ईयर जिना डिक्लेयर उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? कब जिना ने उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया? 1948 में। व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्टेंस एजुकेशन? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। व्हाट डज द टर्म गोस्ट स्कूल स्टैंड फॉर? नंबर ऑफ़ स्कूल एग्जिस्ट ओनली पेपर्स ओनली, नंबर ऑफ़ स्कूल्स जो कि सिर्फ पेपर्स पर ही एग्जिस्ट करते हैं। इट इज़ माइथ ओनली, वेयर गोस्ट इज लीव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए वाला है। इन विच ईयर इंडस्ट्री डिवेलपमेंट बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन पाकिस्तान? इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान में कब इस्टेब्लिश किया गया? 1948 में। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ 1956? 45 ईयर्स जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होनी चाहिए। विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज डिक्लेयर्ड एज द प्रेसिडेंटल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन? जो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में डिस्क्राइब की गई एज अ प्रेसिडेंटल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1962, 1973, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन 1962 है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इज डिस्क्राइब एज मांगा कार्टा इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1944 है, ये हमारे पास मैग्ना कार्टा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हैसियत रखती है पाकिस्तान में। व्हेन डिड मोहम्मद अली बोगरा बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर कब बने पाकिस्तान के? इन अप्रैल 1953 में। व्हेन डिड द इंडिया आर्मी इन्वेड ईस्ट पाकिस्तान? कब इंडिया आर्मी ने इन्वेड किया ईस्ट पाकिस्तान को? नवंबर 1971 में।
When did Balochistan became a full-fledged province of Pakistan? Balochistan जो है मुकम्मल तौर पर कब पाकिस्तान का प्रोवियंस बना? 1970 में, 1968 में, 1969 में, 19 तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है 1970 में. हाउ मैनी सीट्स वर कैप्चर्ड बाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन जनरल इलेक्शन? जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान के लोगों ने कितनी सीट्स जो हैं वो कैप्चर की? 81 सीट्स थी. 160 है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, वो नेशनल असेंबली के थ्रू थी. व्हेन डिड द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी प्रेजेंट इट्स फाइनल रिपोर्ट? बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो थी वो कब प्रेजेंट की? दिसंबर 1952 में उन्होंने प्रेजेंट की. व्हेन द फोर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान वर अमलगेटेड इंटू वन यूनिट? उनको कब एक यूनिट में उनको इंटीग्रेट किया गया? अक्टूबर 1955 में, दिसंबर 1955 में, नवंबर अगस्त 1955 में, मार्च 1955 में. तो अक्टूबर 1955 में उनको इंटीग्रेट किया गया एक यूनिट में. व्हेन द जॉइंट इलेक्टोरेट वाज अडॉप्टेड फॉर ऑल पाकिस्तान बाय द नेशनल असेंबली? जो इलेक्टोरेट अडॉप्ट किए गए पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के थ्रू 1957 में उनको ज्वाइन किया गया था. व्हाट इज़ द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल असेंबली इन ऑन पाकिस्तान? पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं, ओरिजिनल स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की वो अब कितनी है? 300 मेंबर्स हैं, 320 मेंबर्स हैं, 342 मेंबर्स हैं, 345 मेंबर्स हैं. तो जिसके टोटल मेंबर्स वो हैं 300 मेंबर्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली की स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की. ठीक है जी, ये थे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज. होप्स हो कि आप इनसे बहुत आपकी रिवीजन होगी, आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे. तो कमेंट पे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा. फीडबैक से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई, और अगर कोई गलत ऑप्शन है तो काइंडली कमेंट में बता दीजिएगा. और मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को करेक्ट आंसर प्रोवाइड करूँ. अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.